chum, tum, bum, 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 hum, hum, sum, sum, tum, tum, bum, bum, jum, jum, teen, 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 ram, ram, dream, dream, drava, drava, om, namo, arati, bhagavati, srimati, pavitra, jala, vishinche. श्री वीतरागाए नमः देह देह पच 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 ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्रु क्रु ओम नमो अर्हं झं झ्वीं छ्वीं हं सः झं वं पः छं छीं छूं छीं श्रावक सृष्टि अस्माकं चतुर्भिषङ्गानां आरिकामा आरुष्मती माताजी सत्संग सानिध्यौ यजमानस्य नितिन जैन सचिन जैन घीवाले स्तर परिवारस्य समस्त आगरा दिगंबर जैन समाजस्य सर्वेषां शांतिधारा कर्तृणां दर्शकाणां उपस्थित भव श्रावक श्राविकाणां मोहिनी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु बेबी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु कल्याण मस्तु सदास्तु आयुर्वल्ल्य विलासं सकल सुख फल दायत्व सनल्पम धीरम वीरम शरीरम रूपम उपनेत्व तनोत्व चिकेतिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रतितरणे स्फुरे दुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगता मुत्तमा शांति धारा विजन मतलब ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण ज्ञान मार्ग निर्वपामिति स्वाहा सिद्धाचार्य उपाध्य सर्वशाधु पंच परमेश मार्गम निर्भवामिति ओम ह्रीं श्री भगवानी अष्टोत्तर शस्नामभ्यो नमार्गम निर्भवामिति ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन चारित्राणि तत्वार्षोत्के सतदभ्य नमः आचार्य भगवन्त गुरुदेवात् समस्त मुनिराजभ्यो नमः अर्घ्यं निर्भवामिति स्वस्तित्र लोकवेत्तैके चिदद्गमाय स्वस्तित्र कालिसकिलायत विस्तृताय द्रवस्य शुद्धिमधिकं वे यथा निरूपम् प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपामि श्री नमे स्वस्ते स्वस्ति श्री नमिन श्री पर स्वस्ते स्वस्ति श्री वर्धमाना विश्वास मुझे तुम पर आत्म बल दो अभी तो ये गुरुमा साथी बन जाते हैं ओम ब्रह्म श्री नव दिव्यभ्यः ओम ब्रह्म श्री नव दिव्यभ्यो मोहंधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामिति श्री नव दिव्यभ्याष्ट कर्मदयनाय धूपं निर्वपामिति ओम ब्रह्म श्री नव दिव्यभ्यो मोक्ष फल पद प्राप्तय फलं निर्वपामिति अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यं निर्वपामिति ओम निश्चलनिशिद्ध चरपते सर्वशाद जिंदर्म जनागम नीचे चेतले भयो भंगुरी सारा जग जाना जड़ चेतन को बिलना ओम प्रेम श्री परम शांति विधायक हृदय स्थित श्री वृषभ जी चरणाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति ओम प्रेम परम शांति विधायक हृदय स्थित वृषभ जी चरणाय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति ओम ब्रीम असान कृष्ण द्वितीयम गर मंगल मंडता श्री ऋषभ देवाय नमार्गम निर्वपामिति श्री वृषभ जिन चरणाय नमार्गम निर्वपामिति बोली गान सागर जी महाराज की जय हो जय करा गुरुदेव का जय गुरुदेव राह में आए जो दीन तुकी राह में आए जो दीन तुकी सत्य की राह दिखाते चलो धर्म की गंगा बहाते चलो गाने मन गाने गुरु माँ के गुण गाने हर उधर ये देख रहे सब लोगों से पूछ रहे हैं धीरे धीरे पगला धरती देखो आए इंद्राणी आगे पीछे दूर रहे दर्श करा दो इंद्राणी सुन मेरी सच इंद्राणी ललना को मोहित दिखा दे ओ बाका दर्श करा दे मन की नशा मिटे जाए सुन मेरे इंद्र राजा मेरे प्यारे महाराजा निको ना सरे लगे जाएगी पके से दे दो मैं तुमको बजाऊं लाला ने बड़ा प्यारा लगे जितने टेके के मांग रहे सर को झुका कर मांग रहे हाथ जोड़ कर मांग रहे
कराओ इंद्राणी। इंद्र हजार नेत्री बना कर प्रभु दर्शन तो करते, धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे के सब विद जय बोलो प्रभु की जय बोलो। ओम ह्रीम मेरुबन मनोबल करनाय के लिए महावीर लेक्चर से था हृदय स्थित स्त्री मृत्यु जिंचरणाय नमार गिम निर्भोपामी थी। ओम निवन महिमा के भी जक्षर संयुक्त शिव शब्द जनाय नमार गिम निर्भाम थी। निवन महिमा युक्मा भी जक्षर संयुक्त शिव शब्द जनाय नमार गिम निर्भाम थी। स्वाहा हृदय स्थित श्री वृषव जिन चरणाय पूर्ण अर्घ्यम निर्भोपामी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बलि देवाय देव एक जरड़ श्री आदिनाथ भगवान की जय। बलि देवाय देव एक जरड़ मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य श्रेष्ठम पटाचार्य आचार्य श्री शेखर ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री के सागर जी मुनिराज की जय। चलते हैं आचार्य मानद पुंग स्वामी जी की वह कृति 15वें नंबर का काव्य, 15वें नंबर का श्लोक और 15वें नंबर के श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने अपने भक्ति भरे भावों से और प्रभु का गुणगान, प्रभु की महिमा को बतलाने का, प्रभु की महिमा गुणगान गाने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास की ओर हम भी चलते हैं। क्या भाव दर्शाया है 15वें काव्य में? चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभे नीतम मना गपि मनो न विकार मार्ग कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचि। हे भगवन, यदि ते मने आपका मन, माने आपका मन त्रिदशांगनावीर देवांगनाओं के द्वारा, अपि माने भी देवांगनाओं के द्वारा भी विकार मार्गम विकारी भावों को नानेतम नहीं प्राप्त होता है। हे बब्बन, आपका मन देवांगनाओं के द्वारा भी विकारी भावों को प्राप्त नहीं होता है। अन्यत्र इसमें चित्रम के क्या आश्चर्य है? आश्चर्य ही क्या है? चलिता चलेन पर्वतों को चलायमान करने वाले कल्पांत काल इसी प्रलय काल की मरुता माने पवन से वायु के द्वारा कि माने क्या कदाचित कभी मंदराद्रि शिखरम सुमेरु पर्वत का शिखर चोटी चलितम चलायमान हुआ है, हिलाया गया है अर्थात नहीं हिलाया गया। ऐसा क्या उस प्रलय काल की हवा से उस प्रलय काल की वायु के द्वारा क्या सुमेरु पर्वत हिलाया जा सकता है? नहीं। ऐसे ही हे भगवान, आपका मन देवांगनाओं के द्वारा विकारी भावों को प्राप्त हो सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे तपोधन, आपकी शुक्ल ध्यान मंडित तेजों में
जो मूर्ति को डिगाने में स्वर्ग की लावणमयी अनुपम अप्सराएं भी सफल नहीं हो सकी, अर्थात आपके ध्यान को भंग नहीं कर सकी। आपका मनोबल इतना स्ट्रांग है, पावरफुल है कि आपको संसार की तीनों लोकों की कोई भी वस्तु आपके मन को हिला नहीं सकती। स्वर्ग की देवांगनाएं भी आपके मन को डिगा ना सकें, अर्थात आपके ध्यान को भंग नहीं कर सकें और ना ही आपकी स्वाभाविक प्रणति को व्यवहारिक प्रणति की ओर रंच मात्र भी खींच सकें। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है भगवान, क्योंकि कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल की वह तेज आंधी वह छोटे मोटे पर्वतों को भले ही कंपाए मान कर दे, परंतु क्या सुमेरु जैसे पर्वत को विशाल पर्वत की चोटी को हिला सकेगी? नहीं, कभी नहीं हिला सकेगी। हे भगवान, जैसे आपका मनोबल स्ट्रांग है, पावरफुल है, आप ध्यान में लीन हो जाते हो तो आपका मन कोई नहीं डिगा सकता। जैसे पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में लीन थे और वह कमठ कितने सारे ओले पत्थर बारिश कितने उपसर्ग किए, लेकिन भगवान अपने ध्यान में लीन थे, वह अपने आप उनको कोई डिगा नहीं पाया। हे भगवान, वह तो तीर्थंकर प्रभु बनने वाले थे, वे तो पार्श्वनाथ भगवान थे, मोक्ष जाने वाले थे, सिद्ध सलाह को प्राप्त करने वाले थे, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी जब आपके ध्यान में लीन हो जाता है, आपकी भक्ति में तल्लीन हो जाता है, तो वह भी उसे भी कोई डिगा नहीं सकता अगर आपकी सच्ची भक्ति में लीन हो जाए तो। और उन जितना मनोबल वर्तमान में सामान्य व्यक्ति का तो मनोबल कोई डिगा सकता है, पर आपका मनोबल डिगाना कोई सामान्य चीज नहीं है। हे भगवान, अगर जैसे आपने ध्यान किया अपने मनोबल को मजबूत किया, ऐसी ही शक्ति हमें मिल जाए जैसी आचार्य मानवतम स्वामी जी ने अपने अंतरंग में जो भक्ति अपने अंतरंग से जो भक्ति की है, इस स्तोत्र के माध्यम से एक एक काव्य में दर्शाया है, आपका गुणगान किया है, आपकी गुणों की महिमा बतलाई है, ऐसे ही हमारा भी मनोबल मजबूत हो जाए। हम तो यही भावना बाते हैं भगवान। जिसका मन महान होता है उसका जीवन भी महान होता है, और जिसके मन में विकार पलता है उसका जीवन कभी महान नहीं होता। इसलिए हमेशा जीवन में जीने की कला सीखना चाहिए। बहुत से लोग बड़ी जल्दी नर्वस हो जाते हैं, जरा जरा सी बातों का बुरा मान लेते हैं। नहीं, जो भगवान का सच्चा अच्छा भक्त होता है वो कभी किसी की बातों में नहीं आता है, और वह भगवान की भक्ति में इतना तन्मय हो जाता है कि भगवान की भक्ति करने से भक्त एक दिन भगवान बन जाता है। वह कंकड़ से शंकर बन जाता है, वह जीरो से हीरो बन जाता है, वह आत्मा से परमात्मा की ओर परमात्मा बन जाता है। तो उस परमात्मा की ओर हम भी चलते हैं, उस परमात्मा का ध्यान हम भी करना चाहते हैं। हे भगवान, आपके अनंत गुणों से अनुराग करना, आपके गुणों का चिंतन करना, आपके गुणों का मनन करना, आपके गुणों का ध्यान करना, ये सब कर्म निद्रा का कारण है। और भगवान, मन को महान बनाने के लिए विकार रहित बनना पड़ेगा। अगर हमें अपने मन को स्ट्रांग बनाना है, अगर हमें अपने मन को मजबूत बनाना है,
तो हमें बाह्य पदार्थों में उलझना नहीं होगा। हे भगवान, जो बाह्य पदार्थों में उलझता है, जो इधर उधर की चर्चा में उलझता है, वह कभी अपने मन को स्ट्रांग नहीं बना सकता। अपने मन को स्ट्रांग बनाने के लिए तो हमें भगवान की भक्ति आराधना करनी होगी, और जब हम भगवान की भक्ति तन में होकर करेंगे तो हमें बाहर के विकल्प हमें एहसास ही नहीं होंगे। और जिनको बाहर के विकल्प नहीं छूते हैं वही तो स्ट्रांग बनते हैं, उन्हीं का मन तो स्ट्रांग होता है, उन्हीं को तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। हे भगवान, ये सम्यक दर्शन की टिकट जिसको एक बार मिल जाती है फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। तो हे भगवान, हम यही भावना भाते हैं कि जिस तरह से आपने ध्यान किया है, आपने अपने मन को स्ट्रांग किया है, वैसे ही मुझे भी शक्ति मिले। हे भगवान, कोई दूसरा नहीं जानता, सबसे पहले ही कोई दूसरा नहीं जानता कि मन कैसे स्ट्रांग किया जाता है। अपने मन को स्ट्रांग करने के लिए पर की ओर दृष्टि नहीं डालनी है, अपने मन को स्ट्रांग करने के लिए स्व की ओर दृष्टि डालनी है। जितना हम अपने अंदर आने का प्रयास करेंगे, वो अनंत चतुष्टय, वो अनंत गुणों को देखने का प्रयास करेंगे। हे भगवान, मेरे अंदर भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य जैसे गुण प्रकट करने की शक्ति है, पर अभी की नहीं, अभी प्राप्त नहीं हुई है। जब तक हम अष्ट कर्मों से मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक हम उस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। वो स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, संयम के माध्यम से, साधना के माध्यम से, व्रत के माध्यम से, नियम के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, आराधना के माध्यम से हमें अपने मनोबल को मजबूत स्ट्रांग करना होगा। हे भगवान, आपकी भक्ति में जो एक बार तन्मय हो जाता है, एक बार डूब जाता है, फिर उसे बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हे भगवान, आप जैसा तो इस संसार में कोई भी नहीं दिखाई देता, और आप ही जो आपके पास है वही तो हमें मिल सकता है।